बेन जॉनसन ने इस पॉइंट को लिखा है। बेन जॉनसन टेक्स टू एग्जांपल्स फ्रॉम अवर सोसाइटी। वन एग्जांपल इज अ ट्री लाइक ओक एंड द सेकंड एग्जांपल इज ये। बेन जॉनसन सेज दैट एन ओक लाइक पर्सन who lives long for the span of 100 years, but he is useless if not beneficial for the society, On the other hand, there is lily, very simple flower, but it gives light, it gives hope, it gives a lot of inspiration. It is the example of inspiration. It is not long life, only one night life. Though leaves only one night, but it gives inspiration to all the human beings. कि हम थोड़े दिन जिए तो क्या जिए, लेकिन थोड़े दिन जीने के बाद भी हमने लोगों को प्रकाशवान बनाया, कुछ नई चीज दी, कुछ अच्छी दी। दूसरा इसमें बात बताइए, कठिन समय पर भी इंसान क्या करता है, कठिन समय पर विचलित हो जाता है। ये इसका किस समय के लिए ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई के महीने में। मई महीना किसका प्रतीक है? मई किसका प्रतीक है? हार्डनेस का। किसका? टिपिकल नेस का, प्रॉब्लमेटिक का। मई के महीने में अगर खिलना, मई में जब चारों तरफ क्या होता है, धूप ही धूप होती है, या चारों तरफ क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, उसके बीच में खिलना बहुत बड़ी बात है। देखा आपने गर्मी के दिनों में बहुत कम फसलें होती है, और जब फसल होती है, देखना जो फसल का मालिक होता है वो बहुत तकलीफ में फसल करता है उसको, क्योंकि सब तरफ सूखा होता है और बीच में कहीं हरा होता है। लेकिन दूसरी तरफ वॉक है, लंबा लंबा चल रहा, जिए जिए जिए, पर किसी के काम न आए। तो यहां बहुत बढ़िया बताया बेन जॉनसन क्या कर, देखो कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। एक ऐसे पेड़ की भांति ग्रोइंग नहीं माना गया है। इन बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी। इन बल्क, बल्क का मतलब कैसा है ये बल्क का मतलब क्या होता है? लार्ज इन क्वांटिटी, लार्ज इन क्वांटिटी। इसकी जो फीचर्स है, एक मनुष्य लार्ज बहुत बड़ा हो गया, या बड़ा हिम्मत वाला हो गया, या अच्छा स्पंज एरिया सब हो गया, सब कुछ है उसके पास, बॉडी वॉडी सब कंप्लीट है, पर किसी के काम नहीं आ रहा है। वो दूर है, उसकी छाया लेने जाओ तो भी 1 किलोमीटर दूर जाके छाया मिलती है। आगे, इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्क डोंट मेक मैन बेटर बी, है ना। जिससे इंसान अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑल लंबा सा, किसके समान? ओक के रंग से। ओक आप जानते होंगे, आप ये बायोलॉजी के बच्चे हो ना, आप जानते हो ओक किसको कहते हो? साइकस स्पाइनस के अंदर आता है, जिसमें एक छोटे छोटे बीज लगते हैं, ऊपर से देखा होगा ओक को कहते हो, इसको चिकना होता है, उसका चढ़ भी सकते हैं उसके ऊपर, है ना। ओक होता है 300 ईयर, इसका स्पान कितना बताया? 300 ईयर, 300 ईयर इसका स्पान बताया। कछुआ कितने साल जिंदा रहता है? 300 साल। सबसे ज्यादा उम्र किसकी होती? कछुआ 300 साल जिंदा रहता है। अगर हम 300 साल जिंदा रहे तो हमारी यहाँ पड़ी, क्योंकि हम तो 70 के बाद ही गाड़ी छूट जाती है अपनी, तो 70 के बाद ही मान लो कोई जिंदा रहे या 2-4 दिन रह भी जाए, बोनस पॉइंट, तो उसके साथ वाले एक एक को टिकट मिलती है, तो वो थोड़ा डाउन में आ जाता है कि मार बेटा मैं भी जिंदा रहा, मैं भी चलेंगे बहुत चलेंगे, 300 साल जिंदा है। मतलब एक बात बताइए कि आप जिए तो बहुत लंबे समय जिए, बट इफ यू आर यूजलेस फॉर द सोसाइटी देन योर लाइफ इज यूजलेस। बताए देखो, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर
टू फोल ए लोक एट लास्ट, लास्ट में क्या हुआ, लंबे चले किस काम नहीं आया, तो फल भी सही ढंग से नहीं दिया, वो फल इसका छोटा काम नहीं आता, न छाया दी उसने कभी, इट डिडंट गिव शेड टू एनीबडी, नॉट गिव फ्रूट्स ऑल्सो, एंड एट लास्ट बिकम ए लोग लाइक, गट्टा बन के गिर गए. इससे बताया टू फोल ए लोग एट लास्ट ड्राई बाल्ड मतलब कुछ काम करो बाल हो जाते हैं, पहले कोई पता चलता है मुंह कहां तक बना है बाल बताया एंड सीयर, एंड क्या बताया सीयर, है ना, सीयर का मतलब होता है विदर्ड, पड़ जाता, जैसे आप देखो लॉग्स पड़ जाता है धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे क्या होता है वो खुल जाता है, फट जाता है, कुछ काम का नहीं रहता है, सीए खत्म हो गया, कुछ काम मतलब न तो जिंदे काम का न मरे काम का, है ना, तो दोनों तरफ से किसी भी काम का नहीं। अब दूसरी तरफ कंपेरिजन किया, देखो बनना है तो क्या बनना है, लिली 100 बरस की जिंदगी से अच्छे है लिली जैसे नहीं, एक नाइट लिली ओपे डे, एक लिली लिली से पीली से वो वाली नहीं लिली ओपे डे, लिली ओपे एक दिन जिंदा रहती है, आप देखो पतंगा होता है, पतंगा होता है एक दिन जिंदा रहता है लेकिन उड़ता रहता है अपने हाथ में, लास्ट का शाम को अपना त्याग देता है। ए लिली ओपे डे, एक दिन जिंदा रहने वाली लिली इज फेयर फार इन मई के महीने में भी कैसी रहती है, और मई के महीने देखना कई जनों की चमड़ी पे यू खुजली करो तो पूरी लाइन आ जाती है। मई के महीने तुम्हारी छुट्टी होंगी, देखो अब मार्च में तो फ्री हो जाओगे, और मार्च से लगाकर मई के बीच में क्या करो, घर पे रहोगे, है ना, नो लाइफ ओनली सिटिंग स्लीपिंग एटसेट्रा। तो फेयर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि उस रात को वो गिर जाती है और मर जाती है, यद्यपि उसी रात को इट हैज ओनली वन डे लाइफ स्पैन, उसी रात को ही गिर जाती है। फूल आपने देखा, फूल कब तक अच्छा होता है, जब बाग में लगाओ और तोड़ के लिया क्या हो खत्म, तो शेक्सपियर ने कहा एक गुलाब तब तक अच्छा है जब तक वो माली के बाग में लगा हुआ है। हमारी आदत क्या, हम तो लगाते हैं दूसरे का तोड़ लेते हैं, अपनी आदत क्या, पड़ोसी में जिंदा है, उसे कहा इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कैसा फूल था, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसको कैसा बनाया गया, फ्लावर ऑफ लाइट, याद रखना लिली कैसा बनाया गया, फ्लावर ऑफ लाइट, लाइट का मतलब क्या रहता है, वो होप, जिंदगी में होप रहता है, आपको गिव समथिंग हाउ टू लीव ए वेरी हैप्पी लाइफ, दैट इज आगे बताया इसमें, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन से नहीं अनुपात इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें क्या दिखाई देती है उसकी ब्यूटी दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है, जीवन के आशा दिखाई देती है, किरण दिखाई देती है। कोई भी अपने को पेड़ पकड़ के चलता है क्या पकड़ के चलेगा, फूल पकड़ के चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इट गिव समथिंग, फ्रेग्रेंस भी दे रहा, सब दे रहा है, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, और थोड़े से जीवन में परफेक्ट भी क्या हो सकता है, इंसान परफेक्ट बन सकता है। तो कहा कोई लोग लंबे समय जिए कुछ काम नहीं आए, कुछ लोग कुछ समय जिए जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम था, कुछ समय जिए, या कोई ऐसे महान वैज्ञानिक भी हुए आपके जैसे कोई वैज्ञानिक थे, कम समय तक जिए लेकिन उन्होंने क्या हुआ, समाज को एक नई दिशा दी और एक नए रूप में सामने लाए। तो लेखक ने कहा कि नोबल नेचर क्या है, तो लेखक किसकी किसको एडवोकेट करता है, विच टाइप ऑफ लाइफ शुड वी लिव, लाइफ जिंदगी एंड नॉट द लाइफ ऑफ वॉक। So it's a very good comparison between two types of life. Which life do you like? कितने लोगों कितने बच्चों को लिली लाइफ पसंद है, कितने को लिली लाइफ पसंद है, है ना, तो इस तरह का इसको जॉनसन ने, इट्स वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।